अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तारिफ और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल टिक टैक। दोस्तों आज का जो ये वीडियो है इसमें मैं आप लोग को बताऊंगा ये पेटीएम का एटीएम कार्ड आप भी मंगवा सकते हैं, कैसे मंगवा सकते हैं, पूरा प्रोसेस आपको ये वीडियो पूरा अंत तक देखना होगा तभी आप सभी चीज़ आसानी से देख सकते हैं। इसमें कहाँ से आप इसको ले सकते हैं, कैसे एटीएम को एक्टिवेट करना है, ये कौन कौन से एटीएम में लगेगा और पेटीएम का ये जो है इसमें कहाँ पैसा रखना पड़ेगा, इसमें पासबुक मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप इसको कैसे मंगवा सकते हैं, इस सब बारे में। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बतलाते हैं इसी पेटीएम का एटीएम कार्ड के बारे में कि आप इसको कैसे ले सकते हैं। देखिए दोस्तों पेटीएम का जो एटीएम कार्ड लेना है वो बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको देने पड़ेंगे 125 रुपये और आपके घर पे एक पोस्टपेड से मतलब कि आएगा एक कुरियर और उसमें आपको ये जो है एटीएम कार्ड मिल जाएगा। अब ये कैसे मिलेगा, तो आप जैसे पेटीएम पे अपना अकाउंट बनाते हैं वैसे ही आपको अकाउंट अपना बनाकर आपको अपना पेटीएम ऐप्स ओपन करना है, जैसे कि आप अभी यहाँ पर स्क्रीन शॉट देख रहे हैं। अब जैसे ही वहाँ पर आप ओपन कीजिएगा तो आपको वहाँ पर नीचे में एक आपको दिखेगा बैंक का ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, उस बैंक पे आप क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे आपको वहाँ पे केवाईसी करने के लिए मांगेगा। तो दोस्तों अगर आपने केवाईसी अगर आपने पेमेंट पेटीएम में अगर नहीं करवाया है तो आप नज़दीकी स्टोर में जाकर पेटीएम का केवाईसी करवा सकते हैं। इसके लिए आपको 10 से 20 रुपये देने होंगे और वहाँ से आपको केवाईसी पेटीएम का कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, जब आप केवाईसी कर लीजिएगा तो आपका जो है फिर आप अपना ऐप्स खोलिएगा, उसमें आपको फिर से बैंक में जाना है और वहाँ पर आपको नॉमिनीज वगैरह करके आप जैसे पेटीएम का अकाउंट बनाते हैं वैसे ही आपको पेटीएम का पेमेंट बैंक मतलब बैंक वाला जो है ओपन कर लेना है। जब आप वहां से ओपन कर लीजिएगा तो नीचे आपको वहां पे दिखलाएगा आपको वहां पे आपका जो है एटीएम कार्ड का एक ऐसा ही आपको फोटो और वहां पे नीचे आपको डेबिट क्रेडिट कार्ड वहां पे दिखलाई देगा। आप उस डेबिट क्रेडिट कार्ड पर अगर आप क्लिक कीजिएगा तो वहीं पर आपको दिखलाएगा एटीएम के लिए एक चिन्ह। वहाँ पर आप जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक कीजिएगा आपको 125 रुपये वहाँ से आपको कटवाने हैं और जब आप वहां से 125 रुपये कटवा दीजिएगा और वहां पे जैसे ही आप कटवाइएगा वहां पे एड्रेस डालने के लिए देगा, वहां से आप एड्रेस डाल लीजिएगा तो आपको ये जो है एटीएम कार्ड 5 से 6 दिन में आपके घर पे जहां का आपने एड्रेस डाला हुआ है वहां पे आपको ये एटीएम कार्ड मिल जाएगा। और इसको एक्टिवेट करना है तो आपको मैं अभी यहाँ पर वीडियो एक दिखला देता हूँ और आप वैसे ही इसको एक्टिवेट कर लेना। तो दोस्तों देख लिया आपने कि आप कैसे आप पेटीएम का जो है एक्टिवेट कर सकते हैं और अपना पिन सेटअप कर सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि ये किन किन बैंक में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इंडिया में जितने भी बैंक मतलब एटीएम है उसमें आप इस पेटीएम को लगाकर अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें एक बात और है कि अगर आप महीने में तीन बार से ज़्यादा अगर आप इससे पैसे निकालते हैं तो आपको उसके लिए कुछ ज़्यादा ट्रांजेक्शन आपको देना पड़े, लेकिन तीन बार आप इसको लगाकर अपना पैसा निकाल सकते हैं फ्री में। अब दोस्तों बात करते हैं कि दिन में कितना निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस पेटीएम का एटीएम कार्ड से आप दिन का लगभग 50,000 रुपया निकाल सकते हैं और आप यहां से ट्रांसफ़र आकर मान लीजिए कि पेटीएम पेमेंट बैंक से अगर आप किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं पैसा तो आप उस यहाँ पर 2 लाख रुपये तक आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना और वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।